Good morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher and the chapter we were discussing is about the Mughals. हमने last topic में Mughals का system of governance पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे the Mansabdari system. तो let's start the topic. In their endeavor to pay attention to the army and administration, the Mughal introduced a unique system of rank and linked the same to local and land revenue administration. This unique system was referred to as Mansabdari system. It was introduced by Akbar. Under this system, each officer known as a Mansabdar was given a rank or a Mansab. A Mansabdar generally entered service at a low rank but rose higher though loyalty. It was a grading system used by Mughals so to fix the rank, salary and military responsibility of the officer. The rank were divided into Jat and Savar. Jat fixed the Mansabdar's personal status and salary. The higher the Jat, the more prestigious was the noble's position in royal court and he also we drew a higher salary. The lowest rank was 10 and the highest was 5000 for nobles. The Mansabdar received their own salaries in the form of revenue assignment called Jagir. However, the Jagir were not hereditary. So the Mansabdar were enjoyed the right of revenue collection and the land assigned to them. देखिए ये जो सिस्टम है इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था. इस सिस्टम में क्या था, सारे ऑफिसर्स को एज मनसबदार एक रैंक मिल जाता था और उस रैंक को हम मनसब भी बोलते थे बोल सकते हैं. और ये जो मनसबदार होते हैं इस तरह से एकदम नीचे से सर्विस में एंटर करते थे और धीरे धीरे वो हायर पोजीशन की तरफ बढ़ते थे. तो जितना ज्यादा वो रैंक होता था उस हिसाब से उनको सैलरी होती थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनकी ज्यादा होती थी. तो रैंक जो था वो डिवाइडेड था दो पार्ट में, एक था आपका सवर और दूसरा था जाट. जाट जो था वो एक फिक्स पर्सनल स्टेटस और सैलरी पे डिपेंड करता था और जितना ज्यादा जाट होता था उतना ज्यादा सैलरी होती थी. और सबसे लोएस्ट जाट आपका रैंक 10 हो सकता था और हाईएस्ट 5000 तक जाता था. इस तरह से मनसबदार जो सैलरी रिसीव करते थे वो रेवेन्यू असाइनमेंट मतलब उनको जागीर मतलब लैंड मिल जाता था उस पे वो टैक्स भी अपना कलेक्ट कर सकते थे. लेकिन ये जो आपका क्या बोलते हैं जागीर होता था ये हेरिडेटरी नहीं होता था. मतलब कि जैसे हेरिडेटरी कैसे होता है कि अगर मेरा है तो फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा. जैसे आपके घर का प्रॉपर्टी आपके दादाजी का है फिर आपके फादर को मिल जाता है फिर उनके बेटे का हो जाता है. तो ये हेरिडेटरी नहीं होता था इसलिए जब तक वो ड्यूटी में रहेंगे सर्विस में रहेंगे वो इस चीज को एंजॉय करते रहेंगे. अब देखिए कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुगल्स सम फैक्ट जिसमें आर्किटेक्चर. अब आर्किटेक्चर्स पे मुगल ने बहुत ध्यान दिया था. जैसे आप देखेंगे कि शाहजहां ने अपने पीरियड में ताजमहल को बनवाया और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड किया गया है और ये फाइनेस्ट एग्जांपल है मुगल आर्किटेक्चर का. इसके अलावा हुमायूं टॉम बनवाया फतेहपुर सिकरी रेड फोर्ट आगरा फोर्ट लाहौर फोर्ट द पैलेसेस टॉम्स एंड द फोर्ट्स बिल्ट बाय द डायनेस्टी स्टैंड टूडे इन आगरा औरंगाबाद दिल्ली ढाका फतेहपुर सिकरी जयपुर लाहौर काबुल शेखुपुरा एंड मेनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विथ फ्यू मेमोरीज ऑफ सेंट्रल एशिया बाबर्स डिसेंडेंट्स अब्सॉर्ब थ्रेड्स एंड कस्टम्स ऑफ साउथ एशिया एंड बिकम मोर और लेस नेचुरलाइज्ड. मुगल इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कल्चरल contribution such as centralized imperialistic government which brought together many smaller kingdoms, Persian art and culture amalgamated with Indian art and culture, new trade routes to Arab and Turkey land, the development of Mughal cuisine, the Mughal architectures found its way into local Indian architecture, most especially in the palaces built by Rajputs and Sikh rulers, or landscape gardening. तो इस तरह से मुगल्स ने
बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स में इन्वॉल्वमेंट किया और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी हम देख सकते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे में। इस तरह से मुगल्स ने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि वो न्यू रूट्स बनाए अरब और टर्किश लैंड के लिए। मुगलाई कुजीन, जो मुगल्स खाने में खाते थे, वो सारे नए नए डिशेस के बारे में आज हम जानते हैं। फिर इस तरह से वो लोग गार्डनिंग वगैरह में भी बहुत ध्यान देते थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे दिल्ली का मुगल गार्डन। तो ये सब में आर्किटेक्चर्स में मुगल ने बहुत कुछ किया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से मुगल्स का डिक्लाइन होते गया और मुगल डायनेस्टी खत्म हुई। तो अब आज हम यहीं तक देखते। थैंक यू स्टूडेंट।